बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह ओडिशा के भद्रक में बारिश शुरू हो गई है। साइक्लोन 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक लैंडफॉल की प्रोसेस 5 घंटे चलेगी। इसके चलते भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 5 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक करीब 16 घंटे फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। इसके अलावा 552 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 ट्रेनें और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। भुवनेश्वर हवाई अड्डे के निदेशक प्रसन्न प्रधान ने कहा कि चक्रवात दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान तेज हवा और भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट भी प्रभावित रहेगा। उड़ीसा के 14 जिलों में स्कूल कॉलेज की 25 अक्टूबर तक छुट्टी की गई है। इन जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जैसे आपको मालूम है साइक्लोन दाना इज अप्रोच कर रहा है उड़ीसा कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट को, एंड उसका जो लैंडफॉल होगा वो एज पर मेट फोरकास्ट 26 तारीख मिडनाइट से लेके 25 अक्टूबर का मॉर्निंग तक, एंड इसके वजह से भुवनेश्वर एयरपोर्ट अफेक्ट भी हो रहा है ड्यू टू स्ट्रांग विंड एंड हेवी रेनफॉल। इसीलिए हम लोगों ने जो स्टेक होल्डर्स है हमारे भुवनेश्वर एयरपोर्ट में, हमने एक इमरजेंसी मीटिंग किया और मीटिंग में हमने ये यूनानिमसली डिसाइड किया कि फ्लाइट ऑपरेशन को सस्पेंड करेंगे 26 तारीख को 17 बजे मतलब इवनिंग 5 o'clock से लेके नेक्स्ट डे 9 बजे तक मतलब 25 तारीख 9 बजे तक। इसमें से अराउंड 40 फ्लाइट करीब अफेक्टेड होंगे, आइदर विल बी कैंसल्ड और विल डिलेड और रिशेड्यूल्ड।